हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य। फ्रेंड, अगर आपके पास कोई पेट्स जैसे डॉग या कैट अगर आपके पास है तो कभी न कभी तो ओमिट यानी उल्टी ज़रूर करता होगा। तो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है, उल्टी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए आपके पेट्स के लिए अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी ये ओमिट आपके डॉग के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो फ्रेंड, क्या आप जानते हैं कि ओमिट यानी उल्टी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं पेट्स में? तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि पेट्स में जो है ओमिट क्यों होता है और उसका क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। पेट्स में ओमिट यानी उल्टी होने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं फ्रेंड। वो सभी रीजन जो है एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में सिर्फ हम फीडिंग फैक्टर बताएंगे जो ओमिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फीडिंग फैक्टर में पहला रीजन्स है वो है सडन चेंजेज इन डाइट। तो फ्रेंड, बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें पेट ओनर्स अगर कोई नया पेट लाता है तो उसको कुछ भी खाने को दे देता है, तो इसलिए उसकी वजह से क्या होता है, पेट जो है उसको ओमिशन या तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, मेरा सजेशन रहता है कि अगर आप कोई नया पेट यानी कोई किटन या पपीज मार्केट से लेके आते हैं या किसी ब्रीडर से लेके आते हैं, तो पहले आप जो है उस ब्रीडर या पेट शॉप वाले से पता करिए कि इसको जो है क्या पहले खाने को दे रहे थे। आप वही सेम फूड जो है अपने घर पर भी लाएँ और कुछ दिन तक जो है वही सेम फूड उसको जो है खिलाने के लिए देते रहें। फ्रेंड, अगर आपको कुछ दिनों बाद जो है उस पपीज का या किटन का जो है फीड चेंज करना है तो उसका फीड ख़त्म होने से लगभग 15-20 दिन पहले ही जो है आप नया फीड लेके आइए और उसको जो है फर्स्ट वीक में जो है 20% कम करिए, उसको रिप्लेस करिए पुराने फीड से। फिर सेकेंड वीक में जो है 40%, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक में 60%, ऐसे ऐसे करके जो है आप 100% जो है फीड रिप्लेस कर सकते हैं पुराने फीड से नए फीड का। तो फ्रेंड, कभी भी अपने पपीज या किटन का जो फीड है उसको सडन चेंज कभी नहीं करना चाहिए कि आज जो है कोई और फीड दिए, कल जो है कोई और फीड किए। इससे क्या होता है, उसको पपी को जो है या किटन को ओमिट हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको चेंज करना है, जैसे मैंने बताया, आपको ग्रेजुअली चेंज करना है, धीरे धीरे चेंज करेंगे तो वो जो है उस फीड के लिए अडॉप्ट हो जाएगी। इसी प्रकार ग्रेजुअली आप अपने पेट्स को स्टार्टर फीड से एडल्ट फीड में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पेट्स एक्सेस फीडिंग यानी ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसकी वजह से भी पेट्स को ओमिट यानी उल्टी हो सकती है। तो फ्रेंड, कभी भी अपने पेट्स को जो है एक्सेस फीडिंग नहीं कराना चाहिए। और अगर पपीज है, क्योंकि पपीज के केस में जो है वो एक्सेस फीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो फ्रेंड पपीज को जो है कभी भी थोड़ा खाना और जो है मल्टीपल टाइम में देना चाहिए। किसी किसी पेट्स को स्पेसिफिक फीड से जो है एलर्जी हो जाती है, तो अगर उसको वो फीड जो है प्रोवाइड किया जाता है, खिलाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो वोमिट करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड, आप अपने पेट्स का जो है हमेशा याद रखिए कि क्या उसको स्पेसिफिक देने के बाद जो है उल्टी करता है, तो फ्यूचर में आप जो है इस फीड को कभी अपने पेट्स को न दें। अगर पेट्स अनवांटेड ईटिंग करता है तो उसकी वजह से भी उसको ओमिट यानी उल्टी हो सकता है। तो फ्रेंड, सपोज करिए अगर आप अपने डॉग या तो कैट को जो है बाहर घुमाने के लिए ले गए हैं, तो अगर वो रास्ते में पड़ा हुआ कोई भी चीज़ खाता है, जैसे मान लो सॉइल खा लिया, या तो जो है घास होते हैं ग्रासेस वो खा लेता है, या तो डंक रहता है वो खा लेता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका पेट्स जो है ओमिट कर सकता है। इन सभी अनवांटेड ईटिंग से बचाने के लिए अपने पेट्स को या तो अच्छे से ट्रेन करिए कि वो बाहर का कोई भी चीज़ जो है जो पड़ा हुआ वो ना खाए, या तो जो है आप मजल का यूज कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी पेट्स जो है ओमिट यानी उल्टी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी अपने डॉग को चॉकलेट, सॉल्ट या तो जो है ग्रेप्स, ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, उनको पॉइजनिंग होती है और वो उल्टी करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मान लो अगर आप अपने घर में पार्टी करते हैं, तो अगर मान लो कोई, सपोज करिए कोई आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो अगर आपके पास जो है कोई पेट्स बैठा है, तो आप क्या सोचते हैं, थोड़ा सा खिला देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ्रेंड, फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह से आपके डॉग की जो है तबीयत ख़राब हो सकती है और उसको जो है उल्टी या लूज मोशन दोनों हो सकते हैं। स्पॉइलेज फीड अगर अपने पेट्स को ऑफर करते हैं तो उसकी वजह से भी उसको ओमिट हो सकता है। तो फ्रेंड, क्या हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से कोई मतलब कि फीड पैकेट लेके आते हैं, उसको ओपन करते हैं और उसको जो है ऑफ़र करते हैं, और वो फीड का पैकेट ओपन ही रहता है हमेशा, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फीड होता है वो स्पॉइलेज हो जाता है। और अगर इस स्पॉइलेज फीड को अगर हम अपने पेट्स को ऑफ़र करते हैं खाने के लिए, तो उसकी वजह से भी जो है उसको ओमिट हो सकता है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पेट्स में ओमिट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें इस वीडियो में मैंने आज एक रीजंस के बारे में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा और भी क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेट्स में ओमिट हो सकता है। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।